हेलो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट टुडे अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कंपनी सेक्रेटरी। कॉमर्स हैज चेंज अलोंग विद द चेंज ऑफ सोशल पैटर्न। सोशल पैटर्न जैसे चेंज हुआ, कॉमर्स भी चेंज हुआ। इन द प्रेजेंट टाइम्स इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ अ जनरल कंपनी, अ बिग कंपनी एंड मल्टी नेशनल कंपनी। अभी प्रेजेंट टाइम में ये जो फॉर्म हुआ है, जो चेंज हुआ है, वो एक जनरल कंपनी, बिग कंपनी एंड मल्टीनेशनल कंपनी हुआ। नाउअडेज कंपनी सेक्रेटरी इज़ एसेंशियल एज पर द कंपनीज एक्ट। न्यू कंपनी एक्ट के मुताबिक कंपनी सेक्रेटरी एसेंशियल हो चुका है। द कंपनी सेक्रेटरी इज़ ए स्पेशल मैनेजरियल ऑफिसर इन कंपनी स्ट्रक्चर। कंपनी का स्ट्रक्चर में ये जो कंपनी सेक्रेटरी है, वो एक स्पेशल मैनेजरियल ऑफिसर है। ही हैज़ टू मैनेज कंपनी एफिशिएंटली इफेक्टिवली बाय ऑब्जर्विंग कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट को ऑब्जर्व करके कंपनी को एफिशिएंटली मैनेज करना है सेक्रेटरी को। न्यू कंपनी एक्ट 2013 हैज़ गिवन स्पेशल स्टेटस ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल टू द सेक्रेटरी। न्यू कंपनी एक्ट जो है 2013 का, इसमें स्पेशल स्टेटस दिया गया है की मैनेजरियल पर्सनल टू द सेक्रेटरी। इन द कंपनी लॉ द फॉलोइंग 5 पर्सन्स हैव बीन इंक्लूडेड एज की मैनेजरियल पर्सनल, दैट इज KMP। KMP में 5 ये पर्सन को इंक्लूड किया गया है इन द कंपनी लॉ। फर्स्ट इज मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और द मैनेजर। सेकंड द कंपनी सेक्रेटरी एंड द चीफ एंड थर्ड द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सच अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब। फोर द होल टाइम डायरेक्टर एंड फिफ्थ सच अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब। इट कैन बी सेड दैट कंपनी सेक्रेटरी हैज गिवन सेकेंड पोजिशन इन KMP अकॉर्डिंग टू कंपनी प्रोविजन। KMP के हिसाब से कंपनी सेक्रेटरी का पोजिशन सेकेंड पोजिशन होता है कंपनी के प्रोविजन के उसमें। नाउ विच आर द क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अगर कंपनी में सेक्रेटरी होना है तो उसके क्वालिटीज क्वालिफिकेशंस क्या होगा। एज द कंपनी सेक्रेटरी हैज़ बिन पुट एज KMP में कंपनी सेक्रेटरी को रखा है, नेचुरली हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फील्ड्स ऑफ एक्शन आर एग्जॉस्टिव। टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली ही मस्ट हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन एज पर द कंपनी एक्ट एंड एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन टू फुलफिल द जॉब सेटिस्फैक्टरीली इन द कंपनी। नाउ गिवन एज पर द चार्ट क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। क्वालिटीज 12 क्वालिटीज चाहिए एंड क्वालिफिकेशंस में ही शुड दी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ अकाउंट, नॉलेज ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, नॉलेज ऑफ मीटिंग मैनेजमेंट, नॉलेज ऑफ वेरियस एक्ट्स, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, एक्सेलेंट कमांड ओवर इंग्लिश एंड नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ पब्लिक रिलेशन, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। ये क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। और उसकी क्वालिटीज़ क्या है, क्वालिटीज़ जो है, दैट इज़ गुड हेल्थ, ऑनेस्टी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, डिसीजन पावर, एनालिटिकल कैपेसिटी, एनर्जी एंड एंथुजियज्म, लॉयल्टी, कॉन्फिडेंस, टैक्टफुलनेस एंड स्मार्टनेस, फोरसाइटनेस एंड लीडरशिप। ये 12 क्वालिटीज़ भी होना ज़रूरी है कंपनी सेक्रेटरी को। नाउ लेट अस सी वन बाय वन द क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी। नाउ क्वालिटीज आर एज बिलो। गुड हेल्थ, ये क्वालिटी की क्यों ज़रूरत है सेक्रेटरी में, तो गुड हेल्थ एज द कंपनी सेक्रेटरी इज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड,
ही हैज़ टू वर्क हार्ड एट डिफरेंट लेवल्स। कंपनी सेक्रेटरी जो है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है और उसको डिफरेंट लेवल्स में बहुत सारे काम करना है। ही हैज़ टू फेस इरेगुलरिटीज टू फुलफिल हिज कमिटमेंट्स। ही हैज़ टू वर्क हार्ड, ये जो कमिटमेंट को फुलफिल करना है तो ही हैज़ टू वर्क हार्ड एंड फॉर दैट गुड हेल्थ इज़ एसेंशियल, देन ही विल नॉट गेट टायर्ड। अगर गुड हेल्थ होगा उसको बहुत एसेंशियल है, सो ही विल नॉट गेट टायर्ड, वो थक नहीं जाएगा। इफ़ ही इज़ फिजिकली फिट नेचुरली ही विल बी फिट मेंटली ऑल्सो। अगर वो फिजिकली फिट है तो मेंटली भी फिट होगा। ऑनेस्टी क्यों चाहिए? द सेक्रेटरी इज़ की मैनेजेरियल पर्सनल, जो सेक्रेटरी है वो की मैनेजेरियल पर्सनल है। ही नोज ईच एंड एवरी मैटर ऑफ द कंपनी, कंपनी की सारी मैटर वो जानता है। सो इट बिकम्स हिज मॉरल ड्यूटी टू बी ऑनेस्ट, सो उसका मॉरल ड्यूटी है ऑनेस्ट होना, प्रामाणिक होना। हिज गुड कैरेक्टर एंड गुड हैबिट्स विल मोटिवेट अदर ऑफिसर्स, और इसकी जो कैरेक्टर है और उसकी अच्छी कैरेक्टर और अच्छे हैबिट्स जो अदर ऑफिसर्स को मोटिवेट करेगा। ही हैज टू सी इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी इंस्टेड ऑफ हिज ओन, फॉर दैट ऑनेस्टी इज एसेंशियल। वो कंपनी के इंटरेस्ट में काम करना है, नहीं कि वो खुद के इंटरेस्ट में, और इसके लिए कंपनी के काम करने के लिए उसको ऑनेस्टी ज़रूरी है। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, द कंपनी सेक्रेटरी हैज़ टू वर्क विथ मेनी पीपल लाइक शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज, जनरल पब्लिक एटसेट्रा। कंपनी सेक्रेटरी को बहुत सारे लोगों के साथ काम करना पड़ता है, जो शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो सकते हैं। इसके अलावा मोर ओवर ही हैज़ टू वर्क विथ बैंक, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अदर स्पेशलाइज प्रोफेशनल पर्सन्स। फॉर दैट हिज पर्सनालिटी शुड बी अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव टू सच पीपल, और इसके लिए ये सारे लोगों के साथ काम करने के लिए उसकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होना ज़रूरी है। इंटेलिजेंस, द सेक्रेटरी हैज़ टू लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस देखता है, बिजनेस अफेयर्स देखता है, इकोनॉमिक अफेयर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट का रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसके साथ पॉलिसी मैटर्स भी वो देखता है। टू कैरी आउट ऑल दिस कमिटमेंट्स द सेक्रेटरी मस्ट बी हाईली इंटेलिजेंट एंड शार्प टू टेकल ऑल दिस मैटर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, और इसके लिए सेक्रेटरी हाईली इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है ताकि ये सारी मैटर्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टैकल कर पाए। डिसीजन पावर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक प्रॉपर डिसीजन एट ए प्रॉपर टाइम फॉर एनी मैटर, किसी भी मैटर में सही समय पर सही डिसीजन लेना वो डिफ़िकल्ट होता है। एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो वेरी एसेंशियल टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू टेक एडवांटेज ऑफ अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, और साथ साथ में कुछ मैटर के लिए या कुछ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रॉम्प्ट डिसीजन भी ज़रूरी होता है। इफ़ द सेक्रेटरी हैज़ क्विक प्रॉपर डिसीजन पावर देन टाइम रिसोर्सिस एंड एनर्जी कैन बी सेव्ड। अगर सेक्रेटरी ऐसा क्विक प्रॉपर डिसीजन टाइम में लेने का पावर है तो रिसोर्सिस जो है और एनर्जी है वो बच जाता है। एनालिटिकल कैपेसिटी मतलब लॉजिकल कैपेसिटी। द सेक्रेटरी हैज़ टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स, सेक्रेटरी को कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। फॉर दैट ही मस्ट हैव कैपेसिटी टू एनालाइज
डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सच एग्रीमेंट्स, और ऐसे सच एग्रीमेंट्स के एस्पेक्ट्स को अलग अलग को उसको एनालाइज करने की कैपेसिटी होनी ज़रूरी है. व्हेनेवर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव प्रॉब्लम अकर्स, ही मस्ट हैव द एबिलिटी टू अनफोल्ड इट एंड टेक प्रूडेंट डिसीजन. इफ द सेक्रेटरी डजंट हैव सच कैपेबिलिटी, देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजन. अगर सेक्रेटरी के पास ऐसा कैपेबिलिटी नहीं होगा तो रॉन्ग डिसीजन होने का पॉसिबिलिटीज होता है. सो सेक्रेटरीज की क्वालिटीज हमने देखी. स्टिल देर आर 6 मोर क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरीज, विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर. हियर वी स्टॉप. थैंक यू.